आज हमारे सामने ये रहा एंट्री लेवल सुपर बाइक मतलब कि बेनेली TNT 600i। तो करेंगे आज इसका एक फर्स्ट लुक रिव्यू और देखेंगे कि इस वाले बाइक पे कहाँ पे कहाँ पे क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके फ्रंट से। जैसे फ्रंट में कोई विंड वाइजर नहीं है क्योंकि ये नेकेड बाइक है। और सबसे पहले तो यहाँ पे बेनेली का लोगो जो बहुत ज्यादा मस्त है और पूरा का पूरा एनग्रेव्ड है, तो आप लोग हाथ लगा के इसको फील कर सकते हो। नीचे लियोनचिनो का लोगो, ऊपर कुछ स्टार वार, और सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। और हाँ, यहाँ पे आप लोग ये जो टूटा हुआ देख रहे हो, ये टूटा हुआ नहीं है, रैप किया हुआ है और पूरा कवर रेड कलर के ऊपर, सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कुछ हेडलाइट के साइड के फेयरिंग पे कुछ होल्स है, मुझे मालूम नहीं ये किस काम में आता होगा। ये जो हेडलाइट का सेटअप है ये आप लोगों को अभी तो हेलोजिन में दिख रहा होगा, लेकिन इसके साथ जो स्टॉक हेडलाइट आता है वो हेलोजिन वाला है, ये आफ्टर मार्केट है। और हाँ, पूरा का पूरा बाइक तो प्री ओन्ड ही है। USD जो फोक्स है वो सिल्वर कलर में ही है, लेकिन ऊपर यहाँ पे कुछ रैपिंग किया हुआ है। बहुत मोटा है साइज में, मैं अगर इसका थिकनेस दिखाऊं तो देखिए मेरे हाथों में नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा थिक है। मतलब कि कॉस्ट कटिंग नहीं है इस वाले बाइक पे। और सामने का पूरा एक्सपोज्ड है, और सुपर बाइक है इसीलिए इतना ज्यादा हेवी होना जरूर बनता भी है। ये सामने यहाँ का मड गार्ड और पूरा का पूरा बॉडी कलर्ड है, रेड में है। और यहाँ पे नंबर प्लेट को माउंट करने के लिए एक्स्ट्रा नंबर प्लेट माउंट खरीदा हुआ है, ये स्टॉक बाइक के साथ नहीं आता है। और सामने का टायर साइज है 120/70 R17 का टायर है, 17 इंचेस का। और सुपर बाइक में सच में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं टायर्स। तो यहाँ पे जो कैलिपर्स है वो बेनेली की तरफ से ही आता है। कैलिपर का फिनिश पूरा का पूरा सिल्वर कलर में है। और हाँ, फ्रंट में आप लोगों को डुअल डिस्क मिलते हैं, मतलब कि दोनों साइड में डिस्क है। और 85 BHP के बाइक को रोकने के लिए दो डिस्क मुझे लगता है जरूर मैंडेटरी हो जाता है। टायर्स जो है वो टिम्सन की तरफ से आते हैं, जो मुझे लगता है कि आफ्टर मार्केट होगा, स्टॉक तो शायद टिम्सन की तरफ से नहीं आता होगा। और हाँ, इस वाले बाइक में जो लीवर्स डले हुए वो KTM वाले जो एडजस्टेबल लीवर से वो डले हुए। हाँ, मैं नहीं बोल सकता हूँ कि ये स्टॉक आता है कि नहीं, मतलब कि स्टॉक बाइक के साथ, और इस तरीके से आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, क्लच वाला जो लीवर है वो एडजस्टेबल नहीं है, वो नॉर्मल ही है। सिर्फ और सिर्फ ब्रेक वाला लीवर ही ऐसा एडजस्टेबल है। और ये इसके इंडिकेटर्स ये आफ्टर मार्केट है, क्योंकि स्टॉक शायद हैलोजिन वाले आते थे, ये कुछ डोमिनार वाले लग रहे हैं मुझे। मतलब कि एज अ डोमिनार ओनर मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा डोमिनार के जैसा है। और ये जलता हुआ कुछ ऐसा दिखता है, इस साइड में बंद है और अच्छा थ्रो दे देता है। और ऑल ओवर लाइट कुछ ऐसा है। यहाँ पे टैंक स्ट्राउट्स के ऊपर TNT टॉर्नेडो लिखा हुआ है, मतलब कि ये स्टॉक बाइक के साथ आता है। नीचे एक इटालियन जो फ्लैग है उसके जैसा कुछ स्टिकरिंग किया हुआ है। और यहाँ पे डिटेलिंग मॉन्स्टर का स्टिकर किया हुआ है जो आफ्टर मार्केट है जरूर से जरूर। और सच में बहुत ज्यादा हेवी लग रहा है, ये बहुत ज्यादा हेवी लुक दे रहा है। और यहाँ पे प्लास्टिक का 15 लीटर का टैंक मिल जाता है, फ्यूल टैंक, और उसके ऊपर ये बेनेली का लोगो है यहाँ पे। और हाँ, ये कहीं कहीं से ये कलर छूट रहा है, जैसे टैंक का जो ये फ्यूल लिड है उसके ऊपर से। ये सामने यहाँ पे इटालियन फ्लैग, उसका एक लोगो है यहाँ पे। इसका जो फ्रेम है पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि बॉडी को कवर करके रख रहा है। यहाँ पे भी कुछ इटालियन फ्लैग बना हुआ है। और सच में जो ऑल ओवर मेटल का क्वालिटी है, सच में बहुत ज्यादा हेवी है। और ये रहा मेन हार्ट इंजन, बेनेली का लोगो है इसके ऊपर। और ये जो आप लोग देख रहे हो, ये रहा इसका ऑयल फिल्टर। भाई लोग, मुझे सच में बहुत ज्यादा ऑड लगता है, 1, 2, 3, 4, मतलब कि 4 एग्जॉस्ट लाइन 4 सिलेंडर इंजन है। और ये सामने रेडिएटर, जिसके ऊपर रेडिएटर ग्रिल लगा हुआ है। और ये रहा पीछे का मोनोशॉक सस्पेंशन जो एडजस्टेबल है, ये देखिए पूरा का पूरा रेड स्प्रिंग है। और इसको जैसे ही आप लोग घुमाओगे ये ऑटोमेटिकली जो हार्ड एंड सॉफ्ट होता रहेगा। ये रहा फ्रंट का फुटरेस्ट, और थोड़ा सा कलर वलर हट चुका है तो इसको जरा इग्नोर कीजिएगा। यह रहा रियर ब्रेक का लीवर, थोड़ा सा छोटे छोटे लग रहे हैं मुझे। ये रहा पीछे का फुटरेस्ट,
और मेटल का क्वालिटी सच में एकदम टॉप नॉच है। और ये पीछे एल्युमिनियम स्विंग आर्म जिसके ऊपर इटालियन फ्लैग का ग्राफिक्स बना हुआ है। अभी आ जाते हैं सीट्स के ऊपर। सीट्स सच में सुपर बाइक्स में उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है, थोड़ा सा हार्डर साइड में भी है इस वाले का भी। ज्यादातर जितने भी सुपर बाइक ओनर्स है वो तो टूरिंग नहीं करते तो सीट्स उनके लिए ज्यादा मैंडेटरी नहीं होता है। यहाँ पे कुछ ऐसे टेक्सचर बने हुए हैं जिससे आप लोग बाइक को अच्छे से ग्रिप कर सको, बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है। अभी पीछे आए, पीछे का बॉडी पैनल भी पूरा का पूरा रेड कलर में है जिसके ऊपर 600i का लोगो है, इसके ग्रैब हैंडल्स जो बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है अगर कोई पिलियन बैठता है तो। और हाँ, मुझे सबसे ज्यादा यूजेबल लगा इसका रियर का सीट जो मुझे लगता है कि R15 से भी ज्यादा यूजफुल हो जाता है। ये रहा इसका एग्जॉस्ट जो आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ा चीज जो है इनलाइन 4 में सबसे ज्यादा मजा तभी आता है जब उसका एग्जॉस्ट चेंज होता है, तो भाई ये भी मैंडेटरी हो जाता है। पीछे से लुक कुछ ऐसा है, पीछे से ये टेल टाइट लगा हुआ है। और हाँ, ये पीछे के जो इंडिकेटर्स है ये भी चेंज्ड है, डोमिनार वाले लग रहे हैं मुझे। और पीछे का टायर साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा 190/55 R17 का टायर है। जो स्टॉक टायर आता है वो इसके साथ 180 सेक्शन का आता है, लेकिन भाई ने एक साइज बड़ा डलवाया है तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और पीछे का डिस्क का साइज सच में बहुत ज्यादा बड़ा है, मैं प्रॉपर साइज तो नहीं बोल सकता हूँ। और पीछे का कैलिपर भी बेनेली की तरफ से ही आता है, लेकिन भाई लोग सच में बहुत ज्यादा अच्छा बाइट है, बहुत ज्यादा अच्छा है। ये पीछे का एक छोटू सा मड गार्ड, नीचे से ये देखिए कुछ एक्स्ट्रा जो रैपिंग दिया हुआ है एग्जॉस्ट के लिए, हीट को हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए जो फाइबर पार्ट्स है उनको। बेनेली का मेन है इसका एग्जॉस्ट रूम। और हाँ, इस वाले बाइक में सिर्फ और सिर्फ जो पीछे का ब्रेक लाइट है वही एलईडी में आता है, बाकी तो सब हैलोजन ही है। ये इंडिकेटर इस साइड का जलता हुआ कुछ ऐसा है, इस साइड का बंद है। और इस साइड में आए तो इस साइड में भी वो ग्रैब हैंडल, इस साइड का यहाँ पे भी 600i का लोगो, इस साइड का रियर का फुटरेस्ट जो थोड़ा सा ब्रोंज फिनिश में है। सच में ये थोड़ा सा ऑड लगा मुझे, ये मुझे लगता है कि ब्लैक कलर में होना चाहिए था। और ये इस साइड का फ्रंट का फुटरेस्ट। और ये रहा इसका गियर लीवर, मतलब कि आप लोग नॉर्मली जानते हो 6 फीट का ही गियर बॉक्स आता है। और हाँ, मैंने एक वीडियो में देखा भाई लोग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पार्ट्स है इसके, सिर्फ और सिर्फ ये जो गियर लीवर है इसका प्राइस 2000 के ऊपर का है। नॉर्मली यहाँ पे भी ओपन टाइप चेन ही मिलता है घर पे मेंटेन करने के लिए, ज्यादातर सुपर बाइक ओनर को तो भाई चेन को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये इस साइड का स्विंग आर्म, यहाँ पे भी इस साइड में एक इटालियन फ्लैग का लोगो है। और इस साइड का इंजन कुछ ऐसा दिखता है, मैं इंजन स्पेक्स के बारे में बोलना भूल गया था, 600cc का इंजन है जो प्रोड्यूस करके देता है अराउंड 85 bhp एंड 54 Nm का टॉर्क। ये इस साइड का टैंक श्राउड, यहाँ पे TNT, नीचे इटालियन लोगो। और हाँ, आप लोगों को कॉकपिट का व्यू कुछ ऐसा मिलेगा। की पे आए तो की तो भाई नॉर्मल की है तो उतना ज्यादा, लेकिन हाँ बेनेली के जो न्यू बाइक्स है, न्यू जनरेशन वाले बाइक्स है उनमें फ्लिप की आता है तो वो तो बहुत ज्यादा कूल लगता है। की जो है वो कुछ यहाँ पे इंसर्ट होता है जो KTM ड्यूक वाले कुछ वैसे ही। स्विच गियर पे आए तो यहाँ पे अपर डिपर और इसके ऊपर जो मार्किंग्स है वो मिट चुके हैं तो उतना ज्यादा माइंड मत कीजिएगा। इस साइड में हैजार्ड का लाइट ऐसे अगर मैं ऑन करूँ तो कुछ ऐसे जलते हैं हैजार्ड इसके। नीचे इंडिकेटर का बटन और एकदम नीचे हॉर्न का बटन, थोड़ा सा ऑड टाइप का हॉर्न है तो सुपर बाइक में उतना ज्यादा हॉर्न उतना ज्यादा मैंडेटरी नहीं होता है। इस साइड में किल स्विच मिल जाता है, यहाँ पे ये किल स्विच। नीचे यहाँ पे हेडलाइट ऑन एंड ऑफ करने का बटन मिल जाता है। और एकदम नीचे यहाँ पे छोटू, यहाँ पे नीचे जो छोटू स्क्वायर आप लोगों का इग्निशन का स्विच मिल जाता है। इस साइड में थ्रॉटल है जो थोड़ा सा वेयर एंड टियर हो चुका है तो उतना ज्यादा माइंड मत कीजिएगा। इसके ऊपर भी बेनेली का लोगो है। और हाँ, अभी लीवर्स के ऊपर आए, क्लच भाई बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा, मतलब कि आप लोग ट्रैफिक में चलाना तो एकदम भूल ही जाओ, बहुत ज्यादा हार्ड साइड में। और यहाँ पे फ्रंट ब्रेक का रिजर्वायर, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है इसके मीटर क्लस्टर के ऊपर जितने भी डिटेल्स है वो आने में। इस साइड में कुछ वार्निंग लाइट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे एनालॉग RPM मीटर मिलता है। और हाँ, मीटर के अंदर भी यहाँ पे बेनेली का लोगो है। और शायद आप लोगों को मीटर में कुछ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे स्पीडोमीटर है, नीचे ओडो है, साइड में फ्यूल गेज है, ऊपर ये ट्रिप्स है, ट्रिप जितने जितने चेंज हो गए, ये ट्रिप है, इस वाले बटन को दबा के आप लोग चेंज कर सकते हो, ट्रिप है, ट्रिप भी। और हाँ, इसका इंजन का हीटिंग भी दिखा देता है, मतलब कि कितना हीट हो रहा है। तो भाई लोग, ऑल ओवर लुक मैं बोलूंगा एक 600cc बाइक के हिसाब से बहुत ज्यादा हेवी है। तो सबसे मेन चीज इस वाले बाइक का जो है वो इसका एग्जॉस्ट नोट। अभी मैं आप लोगों को इसका एग्जॉस्ट के मजे दिलवाता हूँ, जस्ट लिसन टू द म्यूजिक।
अभी चलिए आ जाते हैं प्राइसिंग के ऊपर। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है बेनेली 600 आई इंडिया से डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो आप लोग नया अगर खरीदने जाओगे तो आप लोगों को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग लेना भी चाहते हो तो उसको प्री ओन में लेना पड़ेगा, सेकंड हैंड या फिर थर्ड हैंड में। तो उसका कॉस्ट आप लोग पकड़ के चलो करीबन करीबन अगर अच्छा कंडीशन हुआ तो 4 लाख टू 4 लाख 50 के बीच में आप लोगों को देना पड़ेगा अगर अच्छा कंडीशन हुआ। और उससे अगर बुरा कंडीशन हुआ, अगर उससे डाउन हुआ, तो 370 या फिर 360-370 के बीच में आप लोगों को मिल सकता है अगर थोड़ा खराब कंडीशन हुआ तो। कुछ ऐसे कॉस्टिंग में आप लोगों को प्री ओन्ड में ये वाला बाइक मिल जाएगा। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं इस वाले बाइक के कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स के ऊपर। तो पॉजिटिव पे नंबर वन पे मैं बोलूंगा पावर। इसमें आप लोगों को 85 BHP एंड 54 Nm का टॉर्क मिलता है, जो भाई बहुत ज्यादा है। अगर आप लोग 400cc के इंजन चलाने वाले को भी अगर ये वाला बाइक दे दोगे तो भाई उसका फट जाएगा। सच में मेरा तो बहुत ज्यादा फटा था। 26 BHP का बाइक मैं रेगुलर चलाता हूँ तो ही मुझे कभी कभी लगता है कि भाई ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तो वो तो भाई मैं बिगिनर्स को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। भाई थोड़ा सा अपना अगर लोअर सीसी में आ जाओ, थोड़ा सा अपने पावर से एडजस्ट हो जाओ, उसके बाद इतने हाई सीसी में जाना। नेक्स्ट नंबर में बोलूं इतने कम प्राइस में आप लोगों को इनलाइन 4 इंजन का मजा मिल जाएगा। तो भाई लोग मानो या ना मानो, ज्यादातर लोग मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग तो 80-90% लोग इनलाइन 4 इंजन इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि उसमें से जो आवाज निकलते है भाई उसका बीट कोई नहीं कर सकता। आप लोग ट्रायम का ट्रिपल सिलेंडर ले लो। नेक्स्ट नंबर में बोलूं तो ब्रांड वैल्यू, आप लोग समझो इटालियन ब्रांड है बेनेली। चलो अभी तो चलो इंडिया में उतना ज्यादा उसका मार्केट नहीं है, लेकिन जब भी ये आता था पहले के टाइम पे बेनेली 600 आई तो भाई बहुत ज्यादा इसका नाम था। बेनेली के बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे जैसे बेनेली TNT 300, तो 300 आई कुछ ऐसा आता था भाई, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा था। वो ड्यूअल सिलेंडर के साथ आता था, निंजा को आराम से टक्कर दे देता था, उसका भी साउंड बहुत ज्यादा अच्छा था। और बेनेली 600 आई तो है ही है। नेक्स्ट नंबर पे बोलूं तो माइलेज। हाँ, ज्यादातर जो सुपर बाइक्स ओनर होते हैं वो तो ज्यादा माइलेज की तरफ नहीं देखते, लेकिन हम जैसे जो बंदे होते हैं जो कॉलेज लाइफ या फिर कॉलेज लाइफ छोड़ने के बाद ही अगर कोई सुपर बाइक ले लेगा, मतलब कि बाप के पैसों से अगर ले लेगा या फिर खुद के सेविंग से भी अगर ले लेगा तो माइलेज उसको देखना पड़ेगा। तो बेनेली 600 आई का माइलेज आप लोग पकड़ के चलो कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छा दे देता है, 25+ भी कभी कभी दे देता है। तो मेरे अकॉर्डिंग माइलेज भी बेनेली 600 आई के इंजन से अच्छा निकलता है। और भाई नेक्स्ट नंबर पे बोलूँ तो स्मूथनेस एंड ट्रैक्टेबिलिटी, मैंने दोनों पॉइंट्स को एक ही साथ डाल दिया है क्योंकि इनलाइन 4 इंजन है। तो इनलाइन 4 इंजन का मेन जो USB होता है वो है इसका स्मूथनेस एंड ट्रैक्टेबिलिटी। भाई 5th गियर पे आप लोग इसको 40 पे चला सकते हो, ऐसा अट्रैक्टिवल है भाई, तगड़ा अट्रैक्टिविलिटी है, स्मूथनेस तो भाई चुम्मेश्वर। तो पॉजिटिव पॉइंट्स तो बहुत सारे हो चुके हैं, अभी कुछ कॉन्स के ऊपर आ जाते हैं। तो कॉन्स में मैं नंबर वन पे बोलूंगा ब्रेकिंग। मुझे इसका ब्रेकिंग उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। और सबसे बड़ा चीज ये नॉन ABS वाला मॉडल है तो सामने पीछे ABS नहीं आता है। ब्रेक का साइज अच्छा है, फ्रंट वाला ब्रेक का वाइट अच्छा है बट पीछे वाले का नहीं। और वैसे भी आप लोग सोचो इनलाइन 4 इंजन है और इतना ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके हिसाब से अगर मैं ब्रेकिंग देखूँ तो ब्रेकिंग उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे बोलूँ तो इस वाले बाइक का वेट, करीबन 230 किलो का बाइक है ये। अगर आप लोग पेट्रोल वेट्रोल डलवाओगे तो उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। तो भाई जो अगर आप लोग अगर मेरी तरह नहीं होगे, थोड़ा सा हेल्दी अगर नहीं होगे, अगर आप लोगों के जो पैर है उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा तो भाई इसको आगे पीछे ढिलाने डुलाने में सच में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा आप लोगों को। चलाते टाइम तो उतना ज्यादा वेट फील नहीं होता है, लेकिन मान लो कि आप लोग पार्किंग से इसको निकाल रहे हो तो भाई तब दिक्कत आएगा, तगड़ा दिक्कत आएगा। नेक्स्ट नंबर में बोलूं तो इसके लीवर्स ना, मान लो कि आप लोग क्लच लीवर हुआ या फिर जो एक्सेलेरेटर हुआ, सच में बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा। मैंने बहुत सारे ओनर से सुना है, मतलब कि 2-4 ओनर्स रिव्यू मैंने देखे तो भाई हर कोई बोलता है बेनेली 600 आई का जो लीवर से बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं।
खास करके क्लच लीवर एंड जो एक्सीलरेटर है वो, और मैंने भी चला के देखा, बहुत ज्यादा हार्ड है। ट्रैफिक में तो 2 मिनट में आप लोगों का हाथ दुखने लगेगा, इतना ज्यादा हार्ड है। तो ऑल ओवर यही था कुछ आज का वीडियो, सच में बहुत ज्यादा अच्छा बाइक है, बहुत ज्यादा ब्रूटली एक्सीलरेट होता है। और भाई मैं जस्ट अपना खुद का फर्स्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, फर्स्ट टाइम राइड करके मुझे कैसा फील हुआ है। तो चलो ये तो फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम था। और सर्विस कॉस्ट के बारे में बोलूं तो सर्विस कॉस्ट आप लोग मान के चलो इसका बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। बेनेली का सर्विस कॉस्ट 6000 से शुरू होके, मेरे अकॉर्डिंग 6000 से शुरू होके 12000 तक जाता है एक सर्विस, और साल में आप लोगों को टोटल 2 सर्विस करवाना पड़ेगा। वो मैं श्योर नहीं हूँ, शायद दो ही करवाना पड़ेगा 5000-5000 पे। तो भाई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, मतलब कि यही मेन चीज है, हाथी पालना सच में बहुत ज्यादा पैसे वाली बात हो जाती है। तो आज का ये वाला वीडियो यही तक, होप करते हो कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा है प्लीज चैनल को जरा सब्सक्राइब कीजिए, इस वाले वीडियो को ट्विंग करके एक लाइक ठोक दीजिए। अपने दिल में अगर कोई भी क्वेश्चन आया नीचे कमेंट बॉक्स खुला है प्लीज जाकर लिख डालना। सब्सक्राइब बटन के साइड में देखिएगा एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा के बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिएगा। अगर आप लोग मुझे ज्यादा ही सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन के साइड में देखिएगा ज्वाइन का बटन आएगा, जिसको दबा के आप लोग बन सकते हो हमारे चैनल के मेंबर्स, जिसके बाद आप लोग बहुत सारे मेंबर रोली बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। और मेरे सोशल मीडिया का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज जाकर मुझे एक बार फॉलो भी कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से नेक्स्ट वाला वीडियो मिलता हूँ, टेक केयर, गुड बाय।